अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टोयोटा करोला क्रॉस के बारे में। 1800 सीसी हाइब्रिड गाड़ी है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस गाड़ी को, लेकिन कॉस्टिंग थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है। लेकिन एक भाई ने डिमांड की है कि भाई इस पे वीडियो बनाई जाए, क्या कॉस्टिंग आ सकती है, तो इस पे आज वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और इसमें बॉडी किट्स के साथ भी आती है, सनरूफ के साथ भी बाज़ एक गाड़ी आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक गाड़ी सनरूफ के साथ आए। तो इस पे आज बात करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ गाड़ी में वैसे सनरूफ वाली एक दिखा देता हूँ आपको। और बेहतरीन गाड़ी है, पाकिस्तान में भी इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था मेरे ख्याल से पिछले साल, इस गाड़ी को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, लेकिन वो मेरे ख्याल से नॉन हाइब्रिड है। तो इंटीरियर भी बेहतरीन है, टोयोटा करोला हाइब्रिड और करोला क्रॉस का तकरीबन सेम ही इंटीरियर है, इतना कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन पिक इसकी अच्छी है और 1800 सीसी गाड़ी है। यहाँ पे हम आते हैं सेल्स स्टेटिस्टिक्स में, अगर आपने भी इंपोर्ट करनी है तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, 0333-93-66-392 पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुजम्मिल मेरा नाम है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं जी सेल्स स्टेटिस्टिक्स में, 3 महीनों के रिकॉर्ड में हम चेक करते हैं जी। और करोला क्रॉस जी यहाँ पर तो 1038 गाड़ियाँ बिक चुकी हैं 3 महीनों में। 21 मॉडल में इसको लॉन्च किया गया था जापान में। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें हाइब्रिड पैकेज भी आता है और नॉन हाइब्रिड भी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड गाड़ी पे वो करना है। तो ये ZV G11 ये जो है ये इसमें हाइब्रिड है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। बाकी फोर व्हील ड्राइव की तरफ नहीं जाते क्योंकि उसकी फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ गाड़ी खोल लेता हूँ मैं, यहाँ पर सोल्ड पर क्लिक कर लेते हैं कि नॉन सोल्ड अनसोल्ड गाड़ियाँ जो है हमारे सामने ना आए। और यहाँ पे अगर आप देखिए काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे कलर का जो है पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू होता है, सिर्फ उसे पर्ल वाइट को मैक्सिमम ज़्यादा जो है सिल्वर कलर को जो है यहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा जी, ये अगर आप देखें इसकी मतलब शेप अच्छी है, किट्स लगी हुई हैं, लेकिन कंडीशन बड़ी रफ़ है। 24,000 चली हुई है, 3 ग्रेड की है। शीट की अगर आप देखें तो ई है, बिल्कुल बड़ा अर्क वाला जो पोजिशन है वही वाली जो है इसकी पोजीशन है। U3 छत पे बहुत बड़ा गहरा डेंट है, डोर्स को अगर आप साइड्स पे देखें तो। अगर किसी को परवाह नहीं है कि भाई बॉडी जिस तरह भी हो लेकिन इंजन वाइज गाड़ी ठीक हो, तो ये उनके लिए बेस्ट गाड़ी है। 2 दिन पहले बिक चुकी है। अच्छा जी, ये रेड कलर में 30,70,000 में गाड़ी उठी है, कंडीशन अच्छी है, 4.5 ग्रेड की। और यहाँ पर अगर आप देखें ये सनरूफ वाली गाड़ी, इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें किट्स लगी हुई हैं और इसके अलावा सनरूफ भी है इसमें। ऑक्शन शीट वाइज बड़ी अच्छी गाड़ी है, 089 कोड है, पर्ल वाइट है और फीचर्स से माला माल गाड़ी है। और ये है 22 मॉडल, तो 22 मॉडल की भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ड्यूटी शीट खोल लेता हूँ कि ड्यूटी हमारे पास इसकी क्या आ रही है जी। यहाँ पे मैं ड्यूटी शीट खोलने लगा हूँ जी। टोयोटा करोला क्रॉस, टोयोटा यार क्रॉस अलग गाड़ी है और ये अलग गाड़ी है इसमें जी। अच्छा, ये हाइब्रिड जेड पैकेज जो है इसकी ड्यूटी हमारे पास जो आ रही है जी, यहाँ पे मैं इसका यन चेक कर लेता हूँ जी, वो 1.85 के हिसाब से, तो 49.62 सिर्फ और सिर्फ इसकी ड्यूटी है 1.85 के हिसाब से। आजकल 1.80 रेट चल रहा है, तो 49,62,000 तकसीम 1.85 मल्टीप्लाई कर दें सीधा इसको 180 के साथ, तो 48,27,000 ड्यूटी आ रही है 22 मॉडल की। तो 48,27,000 याद रखें, 32,80,000 210 इसका फ्रेट लगा लें, गाड़ी बढ़िया जी, मल्टीप्लाई 1.83 आजकल रेट चल रहा है टीटी का। ये हो गया 42, मैं क्या बता रहा था जी, 48,27 ड्यूटी लगा दी मैंने। और अदर एक्सपेंस 160 आ जाने इसका कराची का, और PRC आपको तकरीबन 50 लाख रुपए की, एक ही 5 लाख के लगभग मिलेगी, तो 1,18,00,000 रुपये में आपको ये वाली गाड़ी कॉस्ट करेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन गाड़ी की अगर पोजिशन देखें तो बड़ी बेहतरीन गाड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें कुछ और गाड़ी मैं खोलता हूँ। अच्छा, असल में ये 22 मॉडल है, ड्यूटी इसकी ज़्यादा है। और यहाँ पे ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पे चेक करते हैं, ये अगर आप देखें तो ग्रे कलर में है, इसको खोल लेते हैं, इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। 21 मॉडल की मैं खोलता हूँ जी। अच्छा, ये वाली बड़ी बेहतरीन गाड़ी है, इसको खोल लेते हैं जी। ये वाले किट्स भी अच्छे लगे हुए हैं और फीचर्स भी इसके अच्छे होंगे। जेड पैकेज है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी की इसी की है और पैनोरामिक रूफ भी है इसका, तो शीट वाइज अच्छी है, कोई टचिंग नहीं है, 4.5 ग्रेड की है, लेकिन कन्फर्म कर लिया करें बाज़ अवकात 4.5-5 ग्रेड की गाड़ी में भी टचिंग होती है। अच्छा जी, 33,75,000 में गाड़ी उठी है, तो इसकी ड्यूटी कम है, इस वजह से इसकी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ड्यूटी जो है इसकी 21 मॉडल की
42,62,000 डिवाइड बाय 1.85, क्योंकि शीट पुरानी मेरे पास, मल्टीप्लाई 1.8 कर लेते हैं तो 41 लाख, 41.5 लाख रुपये ड्यूटी आ रही है जी। तो 33,75,210 मल्टीप्लाई 1.83, तो 65,60,000 रुपये जो है जापान को भिजवाने होंगे। और इसके बाद जो है ड्यूटी मैंने क्या बताई जी, 41.5 लाख ये ड्यूटी हो गई, 160 अदर एक्सपेंस डाल दें, 5.5 लाख जो है उसके डाल दें, तो 1,14,00,000 रुपये में आपको ये बेहतरीन गाड़ी कॉस्ट करेगी। अगर प्रियस के साथ कंपेयर किया जाए तो प्रियस एक नॉन एसयूवी गाड़ी है, और ये एसयूवी गाड़ी वो सेडान शेप में, सेडान शेप भी प्रॉपरली वो नहीं जाती, लेकिन ये एसयूवी गाड़ी है, थोड़ा सा क्रॉसओवर टाइप की गाड़ी है, ज़मीन से ऊंची है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से अच्छी गाड़ी है। लोग कुछ ज़्यादातर ये पसंद करते हैं, कोई लोग जो है वो सेडान शेप पसंद करते हैं। तो ये कम्प्लीट वीडियो मैंने बनाई है, इसके अलावा कुछ एक बाइक के लिए प्रियस ढूंढ रहे हैं अच्छे रेट में, तो प्रियस में अगर हम ढूंढें, यहाँ पे उनने बिल्कुल जो है मुझे फुल हैंड दिया कि भाई आप जो है चेक कर लें जो भी अच्छे रेट में हो। तो यहाँ पे ये गाड़ी है, इसको हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, आज इस पर बिड डालेंगे। लेकिन लास्ट जो मेरी जितनी गाड़ियाँ थी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैंने बिड डाला था, और जो है थोड़े थोड़े उस गैप में जो है मुझसे गाड़ियाँ बच गई। यहाँ पर हम आते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 13,20,000 मैंने इस पर जो है बिड डाली थी, और 15,94,000, तो 14,000 चली हुई है, 4 ग्रेड की साफ़ सुथरी गाड़ी थी, लेकिन एस पैकेज है, बेस वेरिएंट है, तो इसकी मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 13,20,000 और मैंने बिड डाली थी, अच्छा ये मैं सोल्ड प्राइसेस पे कर देता हूँ, 15,94,210 मल्टीप्लाई 1.83 कर दें, सही है। इसके बाद तकरीबन 37 लाख रुपये, 37.5 लाख के लगभग इसकी ड्यूटी है, 150 कर दें जैसे कोई मसला नहीं है। और इसके बाद जो है PRC आपको 37 लाख की तकरीबन यही कोई मिलेगी, 4,20,000 तक मिलेगी, 4 लाख वो डाल दें, 75 लाख रुपए में ये गाड़ी बिकी है, ये 1,685 भी ऊपर गई है। अच्छा ये वाली गाड़ी अच्छी थी, ये भी कंडीशन अच्छी थी, इतनी बुरी थी, ऑक्शन शीट में दिखा देता हूँ, सिल्वर कलर में है, कंडीशन बुरी नहीं है, सी भी है, बेहतरीन है घर के लिए, अच्छी गाड़ी है। तो 1447 में गाड़ी उठी है, 1447 × 210 मल्टीप्लाई 1.83 कर दें जी। इसके बाद फर्दर जो है 37 लाख ड्यूटी के एड कर दें, 1.5 लाख ऐड कर दें, और तकरीबन ये 4 लाख रुपए PRC के ऐड कर दें, तो तकरीबन 73 लाख की ये वाली गाड़ी उठी है। तो 73 एक अच्छी प्राइस है, क्योंकि इससे पहले जो है तकरीबन 85-80 के बीच में गाड़ी आ रही थी, अभी यन थोड़ा सस्ता हुआ है ड्यूटी वजह से जो है कम आ रही है, तो अच्छी प्राइस ब्रैकेट में आपको प्रियस मिल सकती है। इसके अलावा सुजुकी वेगनार भी मैंने बिड किया था, लेकिन USS की जो है रिजल्ट्स आपको शो नहीं हो रही, यारिस पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, यारिस जो है बच जाती है मुझसे, और यहाँ पे अगर आप कुछ यारिस देखें, अच्छा जी ये वाली उसकी मैं बता रहा था एक्वा की, तो एक्वा अगर आप देखें तो मको बेटा, और ये 1385 है ठीक है, तो 1385 के हिसाब से करते हैं सोल प्राइस के हिसाब से, एक भाई ने पता करना चाहा था कि भाई क्या कॉस्टिंग आती है, 208 कर दें मल्टीप्लाई 1.83 कर दें। इसके बाद ड्यूटी जो है इसकी तकरीबन मेरे ख्याल से 26 लाख के लगभग है, 26 लाख ड्यूटी ऐड कर दें, 150 ऐड कर दें, और PRC के लिए 26 लाख के हिसाब से 320 ऐड कर दें, तो ये आ गई तकरीबन 5970 में, ये गाड़ी सोल्ड ऑलमोस्ट 60 लाख आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी अच्छी थी, स्टाइल ब्लैक थी, 3.5 ग्रेड की थी, और 13,000 चली थी, एक मिनट मैं देखता हूँ कि अच्छा जी यहाँ पर अगर आप देखें तो B4 है, एक गहरा रगड़ है, और डेंट वगैरह भी साथ में है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।